अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर आपको मेरे इस चैनल पे खुश आमदीद। मैं हूँ रिजवान अली खान और जैसे कि मैं मुख्तलिफ टॉपिक्स पे आजकल वीडियोस बना रहा हूँ और क्रिकेट के हवाले से अगर बात की जाए T20 पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका, जो कि कहा जा रहा था कि भाई श्रीलंका की बी टीम है, ये ए टीम भी नहीं है बल्कि बी से भी गुजरी हुई कोई टीम है, सी क्लास टीम है। लेकिन कल उस सी क्लास टीम ने पाकिस्तान को, पाकिस्तान की बैटिंग लाइन तबाह कर दी, सही है, और बॉलिंग में भी पाकिस्तान एक ये कहें कि भाई नाकाम ही रहा। वो आखिर में आके हसनैन ने विकेट्स ले ली, वरना हो सकता था ये 200 भी स्कोर बन जाता। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जी अहमद शहजाद और उमर अकमल को लाने का क्या तुक बनता है, मुझे समझ नहीं आ रहा। ठीक है, नए जो दूसरे यंगस्टर्स हैं उनको चांस मिलना चाहिए, ठीक है, उनको अब आजमाए। डोमेस्टिक मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट है तो क्या हुआ, लेकिन अपने होम लैंड पे है ना, होम ग्राउंड पे है, तो यहाँ पे तो दूसरे लड़कों को आजमाया जा सकता है कि जी उनका टैलेंट क्या है और जो पॉलिश, जिनको पॉलिश की ज़रूरत है वो पॉलिश हो सकते थे। लेकिन बदकिस्मती से मिसबाह हक ने पता नहीं क्या फ़ैसला किया, क्या नहीं, मतलब क्या सोच के किया, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा कि जी अहमद शहजाद उमर अकमल को लाने का क्या दुख बनता है, जो ऑलरेडी फेल हो चुके हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में। नो डाउट के टैलेंट था इनमें, था है नहीं, था पहले था, अब नहीं है, अब इनकी वो ताकत नहीं रही खेलने की जो वो पहले खेला खेलते थे। लेकिन अब उनको वो वापस से लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये एकदम गलत फ़ैसला है, ऐसा नहीं करना चाहिए, दूसरों का हक मारा जा रहा है। इनको भी कई साल तक चांस मिला है, ये अकमल बरादरान को भी, अहमद शहजाद को भी, कितने चांस दिए हैं आप लोगों ने, बहुत ज़्यादा, इसने इतने ही चांसेस किसी और प्लेयर को मिले आज तक नहीं मिले, ये तो लाडले बने हुए हैं। और ज़रा सी भर अगर ये एक परफॉर्मेंस भी कर देना, फिर गुरूर तकब्बुर जो इनके अंदर आ जाता है ना, वो इनको वापस से ले डूबता है। गुरूर अल्लाह ताला को बिल्कुल पसंद नहीं है, गुरूर तकब्बुर वाला बंदा, तो ये वो शख्स हैं जो टीम को भी ले डूबते हैं। इनका कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता कि ये पाकिस्तानी टीम को कभी चला सकते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है PCB से कि भाई इस बात पर नोट करें और मिसबाह हक को थोड़ा अकल से काम लेना चाहिए। और मिसबाह हक ख़ुद तो टुक टुक करके पाकिस्तान को, इन्होंने 5 साल अपनी कैप्टनी पूरी कर ली, नो डाउट के कैप्टेंसी में पाकिस्तान की पोजीशन कुछ सही रही, लेकिन टुक टुक करना, क्या ये लोगों को, अब ये लड़कों को टुक टुक करना सिखाएंगे, डिफेंसिव क्रिकेट सिखाएंगे, एग्रेसिव दिखाओ भाई। अब सारी दुनिया में एग्रेसिव क्रिकेट खेली जाती है और डिफेंसिव एक अलग अप्रोच होती है जो पहले हुआ करती थी। अब तो स्ट्राइक रेट भी हर प्लेयर का सबसे ज़्यादा है, 100 का स्ट्राइक रेट तो नॉर्मल हो चुका है, तो ये बात समझनी चाहिए और मॉडर्न क्रिकेट की तरफ आना चाहिए। लेकिन वही प्लेयर्स वापस पूरी टीम में शामिल कर दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। 6-7 तकरीबन, मैं के तो कहता हूँ जी 8 लड़के नए डालने चाहिए थे ताकि ये क्रिकेट टीम हमारी पॉलिश होती नेक्स्ट वर्ल्ड कप के लिए, T20 वर्ल्ड कप आ रहा है। लेकिन बात वही आ गई कि अब मिसबाह हक ने मनमानी की है या ऊपर से पर्ची आई है, कुछ कह नहीं सकते जी। और आप लोग भी इस पर क्या कमेंट देंगे, आप इस वीडियो के नीचे कमेंट दें और वीडियो को शेयर करें और बात हमारी क्रिकेट बोर्ड तक, इमरान खान तक पहुंचाइए। वेल, मेरे साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका जो भी ओपिनियन होगा, आपका पॉइंट ऑफ व्यू होगा, वो कमेंट में लिखिए, सराहेंगे और कोशिश करेंगे कि उस पर भी अगली वीडियो में बात करें। अल्लाह हाफिज़।